हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, एक बार भगवान शिव जंगल में एक महात्मा के रूप में भक्ति कर रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही दुखी व्यक्ति महात्मा रूप शिव के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया, वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंच कर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था।
लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया और ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से की इस बार तो मैं अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर न बना सके और इस तरह अपना कर पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। रात में सोते वक्त फिर से वो युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही, क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे से ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोच कर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुँच कर वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वो ये देख कर खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था, लेकिन आज तो 3रा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरे जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था। और यह विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी, वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुँचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन
चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वो कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है, मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दी है, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके, वो चींटियां तो छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए, कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था, एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई,
उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की वजह, नुकसान पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हैं वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चिटिया तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 12 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 12 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारा मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देती है, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें छाती पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार मित्रों। हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है।
आपका बलबीर कोट्स चैनल में प्रिय भक्तगण। क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। क्या पशु, पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका ये मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरी, मुर्गा, मछलियाँ, इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मेड़ और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में 1 से 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनिक की बात को काट कर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात को काटते हुए देखा तो वहाँ उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटे तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं, मछलियाँ, मेमने, मेड़, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूक प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोग दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिसू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर चीता भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं, तो फिर शेर चीता भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना मेढ़ा बकरा मुर्गा मछलियों को बनाया है, तो शेर चीता भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद है भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनी का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वो मृग बहुत ही घबराया हुआ था। मृग को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस मृग से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतना व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे। तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा और बोला, बालक, इस मृग को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मार कर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये निर्दय प्राणी किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है, क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मार कर मैं उन्हें त्रय योनि से आजाद करता हूँ, फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई न कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रख सकते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। मगर देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी। चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। वहां के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभा सदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं चावल आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी।
उसने राजा को सुझाव दिया कि भुखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हां मिला दी, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, है प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वो घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले ले, पर थोड़ा सा मांस दे लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी और को ये पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। दोस्तों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी न करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे। मित्रों, वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काट कर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री 11 करके सभी मंत्रियों के घर गए। सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया। आप सबने अपनी अपनी तिजोरियों से किसी ने 1,00,000, किसी ने 2,00,000, किसी ने 10,00,000 रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ है या नहीं। उधर प्रधान मंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था।
मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे, अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा के थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर। उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने की आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आबंती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगता, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है, उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करे। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन न ले। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी, ये विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।